नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार, मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। मैं अभी राजधानी पटना के बुद्धमार्ग स्थित हूँ। यहाँ पर यशकोन मंदिर है, आज रथ यात्रा निकलना। देख सकते हैं किस तरह से रथ यात्रा की निकलने की तैयारी चल रही है। रथ ये जो जगन्नाथ, जय बालादेव, जय सुभद्रा, ये जो रथ यात्रा निकलेगा यहाँ से, सारी तैयारियाँ देखिए कि किस तरह से तैयारियाँ की गई है। ये यशकोन मंदिर है, यशकोन मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। यशकोन मंदिर में सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। 3 बजे से यह रथ यात्रा निकलेंगे। आइए जानते हैं यहाँ व्यवस्थापक से जानते हैं, यह जो रथ यात्रा निकलेगा कितने, सर यह रथ यात्रा निकलेगी कितने बजे से निकलेगी? यह रथ यात्रा निकलेगा 2:30 बजे। यह कहाँ से निकलकर कहाँ तक के जाएगी? यहाँ से निकलेगा दरभंगला, अरे ये क्या बोलते हैं, नहीं अरे इनकम टैक्स होते हुए म्यूजियम जाएगा, म्यूजियम से होते हुए फिर पटना मंदिर, इसको कोतवाली होते हुए मंदिर आएगा। सर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के भी आने की संभावना है? जी हाँ, आने वाले हैं लोग। तैयारियां पूरी कर ली गई है? पूरी करी गई है। किस तर्ज पर ये रथ यात्रा निकलता है? हर साल निकलता है इसी समय। कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावना है? लाखों लाख लोग आएंगे। क्या तैयारियाँ हैं? तैयारी तो देखिए जोर तोर से, देश विदेश के लोग आए हुए हैं, सब लोग हाँ देखिए सब सजा हुआ है यहाँ से वहाँ सब। आप लोगों से जानेंगे सर, तैयारियाँ चल रही है, क्या आप लोग तैयारी की है ये जो रथ यात्रा निकलनी है? बस रथ यात्रा में शामिल होना है, जगन्नाथ जी को लेके घूमाना है। जगन्नाथ जी को लेके घूमना है जी। पूरी के तर्ज पर यह रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ पुरी के तर्ज? बिल्कुल। आप लोग की तैयारी है? हाँ हाँ। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का करना तैयारियाँ चल रही है। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालुओं भी आ चुके हैं, देश विदेश से भी लोग आए हैं। और आपको यशकोन मंदिर दिखाना चाहता हूँ। यशकोन मंदिर जो यहाँ से, ये जो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में ये जो रथ यात्रा निकलती है, उसी के तर्ज पर ये पटना में भी रथ यात्रा निकलती है। आइए आपको दिखाता हूँ मंदिर की कुछ दृश्य दिखाता हूँ किस तरह से ये भव्य मंदिर। पटना में यशकोन मंदिर था, 1 साल पूर्व नीतीश कुमार ने इसका, जो बिहार सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। देखिए लोग आना जाना शुरू हो चुका है, श्रद्धालुओं की भीड़ लग चुकी है, तैयारियां पूरी है, श्रद्धालुओं से भी जानते हैं। जगन्नाथ जी दर्शन हुआ क्या? नहीं अभी दर्शन नहीं हुआ। रथ यात्रा की तैयारी में रथ को जी कैसा अनुभव महसूस कर? बहुत बहुत, हम तो पिछले साल भी आए थे, उसके पिछले साल भी थे। बहुत से आए हैं? पटना से ही आए हैं। पटना से ही आए हैं, कहाँ से आए हैं? हमारे कैमूर जिला से। कैमूर से आए रथ यात्रा में शामिल होने के? जी जी। कैसा महसूस कर रहे हैं रथ यात्रा में शामिल होंगे? बहुत अच्छा है लगता है। क्या कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा है, भक्ति के अथी में बहुत अच्छा अनुभव, भक्ति में खूब सरोवर है। कैसा आनंद महसूस कर रहे हैं? अच्छा सर, रथ यात्रा में शामिल होने का बहुत आनंदमय जीवन, खुशी की है। बहुत दूर से लोग आए हैं, कैमूर से चलकर आए हैं, देश विदेश से भी चलकर आए, और लोगों से भी जानेंगे। यह सारी तैयारी, बैंड बाजे, नीतीश कुमार और राज्यपाल, सीएम और राज्यपाल के भी आने की संभावना है। देख सकते हैं किस तरह से ये जो यशकोन मंदिर है बहुत सुशोभित ढंग से सजाया गया, और लोगों से भी जानेंगे। क्या जगन्नाथ आज रथ यात्रा निकलना है, कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं? जी सर बहुत अच्छा लग रहा है, जगन्नाथ दर्शन करके उड़ीसा का आदमी यहाँ पे सब भरा हुआ है। जी उड़ीसा से ही आए? जी जी उड़ीसा से चलकर आए, राजा बाजार से आए, उड़ीसा में इधर जॉब है, तो अच्छे लग रहा है भगवान जी का दर्शन। रथ यात्रा रथ खींचेंगे, रथ खींचिएगा? हाँ, देखिए रथ खींचने के लिए उत्साहित है। आप भी आए हैं दर्शन करने के लिए? जी। दर्शन हुआ क्या? नहीं अभी तक तो नहीं। रथ यात्रा निकलना है, रथ यात्रा में शामिल भी होइएगा? नहीं नहीं, अच्छा देखते हैं। रथ यात्रा में शामिल भी होइएगा? देख रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहाँ बिद्दूपुर से, बिद्दूपुर से ऐसे झारखंड से आए, झारखंड के रहने वाले हैं। आप कहाँ से आए? बिद्दूपुर से, बिद्दूपुर हाजीपुर। हाँ, हाजीपुर। कैसा अनुभव कर रहे हैं? हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा जगह। हाँ बहुत अच्छा जगह है, घूमने को मिल रहा है, बहुत अच्छा अच्छा चीज देखे, बहुत अच्छा। मैं आप देख रहे हैं यशकोन मंदिर है, यहाँ पर श्रद्धालु बाहर से आए हैं, उड़ीसा से भी आए हैं, झारखंड से भी आए हैं, बिहार के विभिन्न कोने से आए हैं। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।